हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको मैंगो केक की रेसिपी बता रही हूँ, जो एकदम ही डिलीशियस बनता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। मैंगो ग्लेज केक बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 कप मैंने शुगर ली है, पाउडर शुगर है, और 1 कप मैंने मैंगो पल्प लिया है, और वेनिला एसेंस लेंगे 1 चम्मच, और मैंने 1/4 कप दही लिया है और 1/2 कप ऑयल लिया है। 1 कप दूध लेंगे, दूध नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, बॉइल्ड एंड ठंडा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें दही डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, शुगर डालेंगे, मैंगो पल्प डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पहले स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। पहले यह हमारा अच्छे से मिक्स होके पेस्ट जैसा बन गया है। अभी एक छन्नी ले लेंगे और उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे वो डालेंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसको छान लेंगे, छानने से एरिएशन अच्छा होता है और केक हमारा अच्छे से फूलता है। तो छान के हो गया हमारा, और अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डाल के फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। तो मिक्स हो गया है हमारा, और अभी इसमें दूध डाल के इसका बैटर बनाएंगे। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो कट एंड फोल्ड मेथड से करेंगे। देखिए मिक्स हो गया है, इसमें अभी थोड़ा सा दूध और डालेंगे। फिर से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो देखिए बैटर हमारा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन गया है। अरे मैंने मॉल्ट को ग्रेस करके रख लिया था, और मैंने कढ़ाई को भी प्री हीट करके रख लिया है। एक छोटा सा प्लेट रख दिया है और इसको मैंने 10 मिनट से प्री हीट होने रख दिया है। अभी मोल्ड में बैटर डाल देंगे, ये बैटर को मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको 2-3 बार टैप कर देंगे, और अभी इसको कढ़ाई में रख देंगे। तो देखिए मैंने मोल्ड को रख दिया है कढ़ाई में, अभी इसको ढक के रख देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में ओपन करके नहीं देखेंगे, मिनिमम 15 मिनट तक, नहीं तो केक अंदर धस जाएगा। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे थोड़ा, उसके बाद में फिर 1/2 घंटे के बाद में चेक करेंगे उसको। अभी ढक देखते हैं और उसको बेक करते हैं। देखिए 1/2 घंटा हो गया है, अभी केक हमारा बेक हो गया है, और इसको अभी हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंगो ग्लेज बनाने के लिए ये मैंने 1/2 कप मैंगो पल्प लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, और 2 चम्मच शक्कर डालेंगे, और उसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले
उसके बाद में इसको पकाएंगे मिक्स होने के बाद में। अभी इसको पकने के लिए रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, पकाएंगे इसको, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसमें लम्स पड़ने लगे, इसलिए हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए बॉईल होने लगा है, इसको चलाते रहेंगे। शुगर भी मेल्ट हो गई है, देखिए कंसिस्टेंसी आ गई इसको। अब ये बंद कर देंगे स्टोव को और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, एकदम ठंडा करेंगे इसको। ये देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है और इसने खुद ही साइड्स छोड़ दिए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज केक बना है, इसको पलट लेते हैं। थिकनेस देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है। अभी जो हमने मैंगो ग्लेज बनाया है वो इसके ऊपर डाल देंगे, मैंगो ग्लेज इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए मैंने मैंगो ग्लेज पूरा केक में लगा दिया है ऊपर, और अभी इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे आधा घंटे के लिए। ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है थोड़ा सा, आप चाहिए तो कैडबरी चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। इसमें अभी 2 चम्मच दूध डालेंगे, इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है। और अभी इसको डबल बॉयलर में बॉयल कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को। ये मैंने डबल बॉयलर बना लिया है, गर्म पानी के अंदर वाटी रख के तो मेल्ट कर लेंगे। जैसे मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को, ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे और मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है और इसमें चॉकलेट को हम भर देंगे, एक कोन जैसा बना लेंगे। तो मैंने एक कोन जैसा बना दिया है, इसमें चॉकलेट सा भर दिया है, इसमें पतला सा कट करेंगे और इसमें डिजाइन बनाएंगे केक में। और एक केक हमारा अच्छे से सेट हो गया है, मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसे लाइन खींच लेंगे इसमें चॉकलेट से, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो देखिए मैंने इसको चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया है, स्ट्रिप्स डाल दी है। और अभी एक टूथपिक लेके इसको ऐसा स्ट्रिप्स खींचेंगे। फिर सेकंड इसमें इस तरफ से लेके जाएंगे। इस तरह से इसको डिजाइन बना लेंगे।
देखिए हमारा केक कितना अच्छे से डेकोरेट हो गया है, कितना अच्छा डिज़ाइन आ गया है और बहुत ही टेम्पटिंग बना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है, मैं आपको इसको काट के बताऊंगी। और इसको और आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो मैंगोस कट करके डाल सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको केक कट करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। देखिए कितना स्पॉन्जी है इसका, ज़्यादा देख के आप समझ सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा और बहुत ही टेस्टी है, बहुत इजी है बनाने के लिए। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंगो ग्लेज केक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल